अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। देखिए, मार्क द इनकरेक्ट आंसर, क्या आंसर गलत है ये पूछ रहा है। पहला, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्स पर्सनल राइट इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्बॉडीज द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेनली डील्स विद अ क्वेश्चन ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन। बताइए फटाफट से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है? देखो, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी इसके बारे में। इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। एक बात आपको समझना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे देश का कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो या इंग्लिश लॉ की भी बात कर लो आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, तो ये लॉज सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं बताते हैं। ये एक निगेटिवली काउज्ड एक्ट है जो ये बताता है कि आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री हैं, एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी हैव मेंशन। और अगर उन चीजों को करते हुए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद आपके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस अलाइज होते हैं, उसके बाद लॉ गवर्न करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको कई बार समझाया, एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है एनसन साहब की जो आपके लिए रिलेवेंट है, एक बार इसको पढ़िएगा, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेज डाउन द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू प्रॉमिस, देयर फॉर्मेशन, द परफॉर्मेंस एंड एनफोर्सबिलिटी। अब ये जो रेड से लिखा है ये पढ़ना, ये आपके मेंस के आंसर के लिए बहुत ही बेहतरीन लाइन है। और अगर कोई भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है, कोई भी ऐसा जनरल कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप हमेशा ये लिख सकते हैं, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट लेज डाउन अ नंबर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज विच द लॉ विल इनफोर्स इट। इट कंसिस्ट रादर अ नंबर ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट टू विच द पार्टीज मे क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर देमसेल्फ विच द लॉ विल अपहोल्ड। इतनी प्यारी लाइन लिखी हुई ना, इसको जितना बार पढ़ो ना उतना कम है। ये कह रहे हैं कि वो सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात नहीं करता है, जैसे आपका सीआरपीसी बात करता है, सीपीसी बात करता है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या होंगे, अरेस्ट करते समय क्या प्रोसेस, ये सब नहीं करता है। वो ये कहता है कि हम आपको क्या चीजें मना कर रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि आप क्या नाम है, अगर आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हम आपको लिमिटिंग प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, इसका मतलब कि हम आपसे बस इतना कह रहे हैं कि इन चीजों के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, उसके अलावा जितना भी कुछ है उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर इन चीजों के अलावा आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसके आधार पे जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी उनको डिस्चार्ज करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कोर्ट्स बनाई गई हैं। समझ में आ रहा है आपको? यार वैकेंसीज के बारे में अभी मत पूछो, उसके बारे में अलग डिस्कशन करेंगे। सारी अवेटेड है, राजस्थान भी अवेटेड है, यूपी भी अवेटेड, सब कुछ अवेटेड ही है। बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अभी पढ़ते रहो, जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना बेहतर होगा। वैकेंसी आएंगी तो पक्का, तुमको जज बनना ही है, तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वैकेंसीज की अगर कोई श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आती है तब हम देंगे, बेकार में मिसलीड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द लॉ शैल नॉट ले डाउन एब्सोल्यूट राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, रादर इट शैल ले डाउन ओनली द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप देखते हो, मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हो तो आपके सेक्शन नंबर 36 तक, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले तक, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई है कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट होगा। प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो प्रॉमिस बनता है, कंसिडरेशन होना चाहिए, अग्रीमेंट बनेगा, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स होंगी। मतलब कहने का मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये ले डाउन करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री हो, लेकिन जो लिमिटेशन हमने दी है उनको ध्यान में आपको रखना है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, कितने में सामान बेचोगे, कितना सामान कहां से कैसे जाएगा, वो सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बताता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिक लिमिटेशंस को बताता है, और उसके बाद अगर वो लिमिटेशन नहीं है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं किया जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तो आपको डैमेजेस मिलेंगे 73, 74।